नेक्स्ट जिस प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम करेंगे अटोमिक साइज के बाद, उसका नेक्स्ट पेज में है, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको बोलते हैं? तो आयोनाइजेशन का पोटेंशियल समझने के लिए एटम का बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। सपोज एक एटम है जिसमें एक न्यूक्लियस है और उसके बाद कैशन और उसके बाद एक्शन। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के हिसाब से ले रहे, वैसे किसी भी एटम के लिए ये ट्रू होगा। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये कैशन है और ये इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ऑब्वियसली कैशन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कैशन में लेट्स से दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ और इलेक्ट्रॉन एचएल में है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है तो न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके रखता है और उन लोग को फोर्स करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमें, घूमता रहे। तो अगर हमको एटम में से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, अगर एक एटम को अपने में से लास्ट शेयर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है बाहर, तो हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा उस एटम को, मतलब उस एटम को एनर्जी लेना पड़ेगा, एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये वैसा चीज़ है कि अगर किसी को, सपोज हमको जैसे यहाँ पे है कि ये अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से इसका अगर अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्शन को ओवरकम कैसे करेगा? तो ये धक्का मार के बाहर निकालने जैसा चीज़ है कि हमको उसको धक्का मारना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जा करके वो बाहर निकलेगा, बिकॉज अदरवाइज वो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा और घूमता रहेगा। तो अगर हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे तब उसके पास इतना एनर्जी हो जाएगा, इतना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कि वो एटम के बाहर निकल जाए, न्यूक्लियस के साथ अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दे। यही एनर्जी जो दिया जाता है लास्ट शेयर का इलेक्ट्रॉन को इस तरह से बाहर निकलने के लिए, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज आईपी, या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसको बोला जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वही पहले निकलेगा, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तब फिर सेकेंड लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नॉर्मली सबसे पहले जो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो लास्ट शेल का ही होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को, वैसे इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो टेंडेंसी है वो किस तरह के एलिमेंट्स का होता है, तो ये डिस्कशन मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स का पिछली बार भी किए थे कि ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे दीज आर मेटालिक एलिमेंट्स, और ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे दीज आर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। मेटालिक एलिमेंट्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का, इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से निकालने का, और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये इन लोग के केस में, जो मेटालिक एलिमेंट्स है उसके केस में काफ़ी कम होता है, बिकॉज मेटल्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का। अब ये टेंडेंसी क्यों होता है, मतलब कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। तो अगर हम ये देखें अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो अटोमिक साइज कम हो रहा है, इसका डिस्कशन हम भी किए थे। तो अटोमिक साइज अगर कम हो रहा है, अटोमिक साइज अगर डिक्रीज हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो वो किस लिए हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेगा एंड इसकी वजह से एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और ज्यादा फोर्स से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होकर के रखा है। दैट मीन्स कि उस एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना हो, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हो धक्के मार के शेल से, तो और ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखा। तो इसका ये मतलब हुआ कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस, तो और ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, कम एनर्जी अप्लाई करके
ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए ये एलिमेंट्स का यूजुअली इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, क्योंकि इन लोग कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जबकि ये एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता ही नहीं है। ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते नहीं है, बिकॉज उसमें इतना एनर्जी लगेगा, उल्टा ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये हुआ अक्रॉस द पीरियड का डिस्कशन। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब डाउन द ग्रुप कब आता है, तो डाउन द ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो दूरी है न्यूक्लियस से वो बढ़ जाएगा, मतलब न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को और आसानी से एटम से हटाया जा सकता है कम एनर्जी लगाकर। तो इसका मतलब अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो एनर्जी जितना लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए वो और कम होता जाएगा, मतलब कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा जब हम नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। जब हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है मतलब कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो भी बढ़ रहा है, तब वो इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, और उस सिचुएशन में जितना एनर्जी हम लगा रहे हैं लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हटाने में वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से तो आई पी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि आई पी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है जिसकी वजह से आईपी घटना चाहिए, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से आईपी बढ़ना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आईपी बढ़ेगा बिकॉज ज़्यादा एनर्जी तब अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर की वजह से आईपी घट रहा है, एटॉमिक साइज की वजह से आईपी घट रहा है एज वी गो डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आईपी बढ़ रहा है एज वी गो डाउन द ग्रुप। कौन जीतेगा? एटॉमिक साइज जीतेगा। एटॉमिक साइज डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज, इसी की वजह से एटॉमिक साइज का जो इफेक्ट पड़ रहा है मतलब आईपी का कम होना वो डोमिनेट करेगा ओवर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि आईपी कम हो रहा है एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो यही इस पूरे पेज में समझाया, हम यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। पहला बात है आइसोलेटेड एटम का बात क्यों कर रहे हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक तो गैसियस स्टेट में एटम्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, तो एक एटम को इंडिविजुअली एग्जामिन किया जा सकता है। दूसरा चीज़ है कि आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड गैसियस का बात इसलिए भी हो रहा है बिकॉज एक एटम का न्यूक्लियस अपने पास वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी तो अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम जिस एटम को एग्जामिन कर रहे हैं आसपास के एटम्स का इन्फ्लुएंस भी उस पर पड़े। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि गैसियस स्टेट में जब एटम्स रहेगा एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे, तब एक आइसोलेटेड एटम को अगर हम एग्जामिन करें उसमें जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है आउटर मोस्ट जो लूजली बाउंड मतलब आउटर मोस्ट जो सबसे लूजली पकड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने में कितना एनर्जी एटम को लगेगा, दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे इसलिए लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये डेफिनेशन पूरा एग्जैक्टली ऐसे लिखना पड़ेगा, हर एक वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल के एक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है, जैसे जूल एनर्जी का यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है। ईवी करके जो लिखा हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फर्स्ट आईपी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द सेकंड आईपी। ये फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब एक न्यूट्रल एटम है मतलब अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन हटा नहीं है इसमें, तब जब हम इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जो हट रहा है एटम से, तो उसको हटाने में जितना एनर्जी लग रहा है उसको बोलेंगे फर्स्ट आईपी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन हट गया, सपोज ये इलेक्ट्रॉन अब हट चुका, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो बचा कुचा एटम है बचा कुचा इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये न्यूक्लियस और ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ टानेगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतना ही था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी उतना ही है, वो तो चेंज नहीं हुआ,
अगर लिथियम का बात करें, तीन प्रोटॉन था, तीन प्रोटॉन ही है, लेकिन तीन इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक चला गया, तो अब तीन प्रोटॉन है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया लेकिन प्रोटॉन्स उतना ही है, तो ये प्रोटॉन्स बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स पे और ज़्यादा फोर्स डाल पाएगा और एटम जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब अगर थोड़ा और छोटा हो जाता है और न्यूक्लियस का फोर्स बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाता है और उसकी वजह से एटम थोड़ा और छोटा हो जाता है, तब बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हटाने में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को अगर हम आप हटाने का कोशिश करें तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट, तो इसलिए सेकेंड आईपी, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के हटने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब हम हटा रहे हैं तो उसमें जितना एनर्जी लगेगा वो पहले वाले से कम्पेयर और भी ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ लिखा है फर्स्ट आईपी इज लेस, सेकेंड आईपी इज मोर। फैक्टर्स विच अफेक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार रीड कर देते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, उसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज। रीजन, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, हेंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, तब आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो और कम हो जाता है तो आईपी घट जाता है। यही हम ऐसे समझाए थे कि एटॉमिक साइज जब घटता है तो आईपी बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो आईपी घट जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ये हम समझाएं। तो रीजन क्या लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, हेंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फर्मली हेल्ड, मतलब और स्ट्रांगली उसको न्यूक्लियस पकड़ के रखता है तो उसको हटाना और मुश्किल हो जाता है, और एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए, तो आईपी बढ़ जाएगा। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या सिचुएशन होता है, तो हम जानते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है, उसकी वजह से भी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है उसकी वजह से भी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। हीलियम का हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आप बोल रहे हैं हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल व्हाइल सीसीएम हैज द लोएस्ट। सीसीएम जो है वो ग्रुप वन का लास्ट एलिमेंट है, उसके बाद एक फ्रांसियम बोल के होता है, इसको हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज इसका प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, सीसीएम तक हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि सीसीएम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है जबकि हीलियम का सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्यों है, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और घटता है एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब कि जितना ऊपर कोई एलिमेंट है आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका उतना ज़्यादा होगा, जितना नीचे कोई एलिमेंट है आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका उतना कम, और लेफ्ट टू राइट के हिसाब से देखें तो जितना राइट हैंड साइड में है आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट का ज़्यादा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, तो इसका मतलब कि सबसे ऊपर और सबसे राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है मतलब कि हीलियम, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और सबसे नीचे और सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है सीसीएम, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होना चाहिए, तो यही रीज़न है। वैसे जब हम नोबल गैसेस का बात करते हैं तो नोबल गैसेस का आयनाइजेशन पोटेंशियल वैसे भी सबसे ज़्यादा रहता है, ऐसा इसलिए है बिकॉज उन लोगों का ऑलरेडी जो लास्ट शेल है वो कम्प्लीट है, फुल हो गया है, सेटिस्फाई हो गया वो, तो अब लास्ट शेल जब फुल हो गया है, स्टेबल हो गया पूरा एटम, मतलब कि पहले से लास्ट शेल पूरा कम्प्लीट है, तब फिर वो क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करने जाएगा, तो इसलिए एक कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एटम में से इलेक्ट्रॉन को हटाना और मुश्किल होगा, तो इसलिए ये नोबल गैसेस का आयनाइजेशन पोटेंशियल वैसे भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो हम बताए थे मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड जनरली हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपेयर टू नॉर्मल मेटल्स, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यही है कि इट इंक्रीजेस। उसके बाद डाउन द ग्रुप ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल उसकी वजह से डिक्रीज करेगा, एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है उसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड इंक्रीज, बट ऑब्वियसली यहाँ पे भी इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड सो द ओवरऑल आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो ये था आयनाइजेशन पोटेंशियल का ओवरऑल कॉन्सेप्ट एंड ट्रेंड्स।